चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब भी हमारी वॉशिंग मशीन के कपड़े सुखाने वाले ड्रम में कपड़े गिर जाते हैं तो उसको किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आज हम पूरी वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो देख सकते हैं ये हमारे पास ड्रायर है और उसमें जो दोस्तों कुछ काफी सारे कपड़े गिरे हुए हैं, यानी कि मोजा वगैरह गिर गया कस्टमर का और दोस्तों निकालने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, तो दुकान पे मशीन को ही ठहराया कस्टमर। ठीक, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों के ड्रायर में इस प्रकार से कपड़े गिर जाते हैं तो उनको किस प्रकार से निकालते हैं अपने घर पर किसी भी मिस्त्री को बिन बुलाए। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक, ये देख सकते हैं इसमें कपड़े डले हुए हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी वॉशिंग मशीन हो, जो एलजी की हमारी वॉशिंग मशीन होती है तो उसमें देखिए इस प्रकार से खांचा बना हुआ होता है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर एक जो चढ़ा हुआ होता है, इसके ऊपर एक सिस्टम बना हुआ होता है, तो उसको निकालने के लिए, सिस्टम को निकालने के लिए हमें पेचकस को क्या करना है, देखिए इस प्रकार से पेचकस को मदद से इसको, इसके यहाँ पर हमारी वॉशिंग मशीन में खांचे होते हैं दो, एक इधर की साइड जहां से मैं निकाल रहा हूँ और एक इधर की साइड। ठीक है, तो ये खांचे जो होते हैं दोस्तों काफी मतलब जकड़े हुए होते हैं, काफी हद तक मतलब काफी मुश्किल से निकलते हैं यहाँ पर। तो आप लोग क्या करेंगे, या तो बारीक पेचकस ले या फिर बड़ा पेचकस ले। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर पेचकस ले रखा है उसी प्रकार से आप लोगों को पेचकस लेना है और इस प्रकार से निकालेंगे तो देखिए ये जो खांचा है हमारा बहुत ही आसानी से यहाँ से निकल गया। ठीक है, ऐसे ही खांचा हमारा क्या होगा, वॉशिंग मशीन के इधर की साइड होगा। ठीक, अब देखिए हमारा जो ये सिस्टम है, जो हमारा पैनल होता है ड्रायर के ऊपर का, वो आराम से निकल चुका है। ठीक है, अब जब पैनल हमारा ये निकल जाएगा तो काफी सारी जो ड्रायर के साइडों में जगह होती है वो काफी सारी बन जाएगी, जिससे हम किसी भी प्रकार से लकड़ी की मदद से, पेचकस की मदद से जितने भी अंदर कपड़े होते हैं वो लाइट की वजह से, बैटरी वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, मतलब अच्छे से तरीके से दिख जाते हैं कि कपड़े हमारे डले हुए या नहीं डले हुए। ठीक है, तो अगर आप लोग ये काम वॉशिंग मशीन में एक महीने में, दो महीने में अगर करते रहते हैं, इसको सफाई भी हो जाएगी और कपड़े वगैरह भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक दो महीने में ये काम कर लीजिए तो हमारी जो वॉशिंग मशीन की मोटर दोस्तों काफी हद तक बच जाती है, क्योंकि ये जो कपड़े होते हैं हमारे ड्रायर में लिपट जाते हैं और हमारे ड्रायर की सील खराब कर देते हैं, जिससे हमारी जो वॉशिंग मशीन की मोटर है वो खराब हो जाती है। ठीक है, अब देखिये इस जो वॉशिंग मशीन है इसमें कितनी सारी गंदगी यहाँ पर नजर आ रही है, उसको साफ कर सकते हैं आप, और ये जो मोजे वगैरह इसके अंदर डल जाते हैं, हमारे छोटे छोटे कपड़े जो डल जाते हैं उनको भी हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी है दोस्तों, तो मैं मानता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर समझ में आ गई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अब देखिए इस पैनल को आप लोगों को लगाना कैसा है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास पैनल है, जिस प्रकार से हमने इसको निकाला था, देखिए सबसे पहले पीछे के खांचे आप लोगों को, ये जो पीछे के खांचे हैं इस प्रकार से लगाने, अब आप लोगों को यहाँ पर काफी तेज हथेली मारने हैं, झटके मारने हैं, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, इसको पैनल में ऊपर हटा देता हूँ, कभी टूट जाए। देखिए अब हमारा पैनल एकदम जबरदस्त तरीके से लग चुका है, तो मैं मानता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी, छोटी सी वीडियो है। तो आज के लिए धन्यवाद।